लेकिन मैं समाज को महापुरुषों के रास्ते पर ले जाकर पैरों पर खड़े करने का काम कर रहा हूं और मेरा विश्वास है कि आने वाले 10 साल में इस देश में ऐसा ऐतिहासिक परिवर्तन होगा कि आज जिनको जुल्म करके सताया जा रहा है वो इस देश की बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे होंगे और उनको इज्जत सम्मान की जिंदगी मिलेगी। राजकाज आएगा तो कुटीर उद्योग लेंगे, महिलाओं को घरों में रोजगार मिलेगा। राजकाज आएगा तो सर पे ईंटें नहीं उठानी पड़ेगी। राजकाज आएगा तो कोलू पे भट्टों पे काम नहीं करना पड़ेगा। किसी बहन बेटी का अपमान नहीं होगा। आपको याद होगा इन बागपत में एक महीना नहीं बीता, एक साल नहीं बीता, ये जानते लोग जानते हो नहीं जानते हो दर्द को कि जब एक बच्ची कोलू पे काम करने गई थी उसको कोलू में झोंक दिया था गुंडों ने। याद है नहीं याद है आप लोगों को? राजकाज होगा तो इज्जत की जिंदगी होगी। राजकाज लोकतंत्र में वोट से आता है। आपने सबको ताकत देके राजकाज दिया। जिन्होंने राजकाज में जो लोग बैठे वो लोग अपने घरों में पड़ के सो गए। आज आपका बेटा, आज आपका भाई हिम्मत करके लड़ रहा है। बताओ मदद करोगे नहीं करोगे? बताओ, क्या तो मेरे काम में कमी बताओ, कोई कमी है मेरे काम में? बताओ कहानी अड़ता तुम्हारे लिए कहानी और क्या चाहिए मुझसे? हर लड़ाई लड़ता हूं। दिल्ली का टूटा हुआ गुरु घरों, बताओ 66 दिन जेल काटी नहीं काटी? आप बताओ, बताओ लाठियां खाई नहीं खाई पुलिस की? बताओ सहारनपुर में जब जुल्म हुआ 16 महीने जेल काटी नहीं काटी? बताओ मेरी अपनी लड़ाई थी क्या? बताओ मेरी अपनी लड़ाई थी क्या? कोई एक लड़ाई बताओ मेरी अपनी में मेरे ऊपर? एक लड़ाई मेरी अपनी नहीं, एक लड़ाई मेरी अपनी, सारी लड़ाई समाज की है। और इसलिए लड़ाई है क्योंकि अपने लोगों पे, गरीबों पे, कमजोरों पे, किसानों पे जुल्म होते नहीं देख सकता। मैं भी आंख बंद कर सकता हूं लेकिन अगर मैंने आंख बंद की तो जो आग घर के बाहर लगी है वो घर के अंदर आ जाएगी। मेरी बात को आप याद रखना, इस बात को भूल मत जाना जो मैं कह रहा हूं। आग घर के अंदर आ जाएगी। आज तो उनको पता लग गया कि इनके पास रखवाला है। अगर उनको एहसास हो जाएगा कि इन पर रखवाला नहीं है तो थाने कचहरियों में तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी। मेरी बात को आप याद रखना। आज तो उनको एहसास है। अभी यहां बराबर मुजफ्फरनगर में बताओ घुड़चड़ी रोक के बेइज्जत किया नहीं कि आप लोग बताओ? बताओ भाई कौन सा गांव है वो बुकाड़े जी? मडकरीपुर में बताओ गुंडागर्दी किया नहीं कि बताओ आपके साथ? बताओ मेरठ के रसूलपुर में गुंडागर्दी किया नहीं कि? तब कह रहा हूं ये तब है जब उनको पता है कि इनका लड़ने वाला है इनका लड़ाकू। मगर फिर कह रहा हूं थोड़ी सी ताकत बढ़ा दो मुजफ्फरनगर वालों। लिख के कहता हूं खून का कतरा कतरा भी आपके काम आएगा। मेरी बात को आप याद रखना। आदमी पेट के लिए जीता, पेट के लिए चार चार गोली खाई है, कभी कभी पीछे पलट के नहीं देखा। बताओ गोली खा के डरा क्या कभी? आदमी सब पेट के लिए करता है। ये पेट भी आपका, सब कुछ आपका, आपके सहारे हूं। लेकिन वजन दे कह रहा हूं मेरी माए मैंने बैठी है सत्संग में खड़े होकर, झूठ नहीं बोलता मैं। इतिहास गवाह है कि मैंने झूठ नहीं बोला। मेरे शरीर में लहू का आखिरी कतरा है, आखिरी सांस है। मैं आपके आंसू पोंछने के लिए लड़ता रहूंगा। मेरी बात को आप याद रखना। और फिर कह रहा हूं ये माए बैठी है, कब तक इस देश में जुल्म जाति सहती रहोगी? क्या गरीबी में पैदा होकर गरीबी में मरने के लिए पैदा हुई हो दुनिया में? आप बताओ कितनी महिलाओं ने हवाई जहाज में सफर किया? बताओ कितनी ने हेलीकॉप्टर में सफर किया? बताओ कितनी ने रेलवे के एसी के डब्बे में सफर किया? तुम बताओ, हाथ उठाओ जिसने हवाई जहाज में सफर किया। बताओ जिन्होंने हेलीकॉप्टर में सफर किया, क्या है तुम्हारी जिंदगी? गरीबी में पैदा होकर गरीबी में मरना जुल्म सहना, क्योंकि हम इंसान नहीं है क्या? क्या हमें पैदा करने वाली माँ को दर्द नहीं होता जब हमें मारा जाता है? जब हमारी बच्चों को बेइज्जत किया जाता है क्या हमें तकलीफ नहीं होती? क्या हम इज्जत नहीं रखते हैं? सब रखते हैं हम। लेकिन क्योंकि अभी आपको अपने पराये का एहसास नहीं है इसलिए जुल्म हो रहा है। जिस दिन आप मेरे साथ खड़े हो गए गुंडागर्दी करने वालों के पांव गांव से लेके दिल्ली तक ना कांप जाए तो मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद नहीं। मेरी बात को आप याद रखें। जिस दिन आप मेरे साथ खड़े हो गए प्रधान से लेके प्रधानमंत्री तक, जिसकी बनने की इच्छा होगी वो आपको सुबह आकर नमस्कार किया करेगा, जय भीम किया करेगा। मेरी बात को आप याद रखना गांव से लेकर मानते हैं।